ये देखिए होता है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशंस का ये क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो संबंध होता है उसको दर्शाया जाता है, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है पी और क्यू, पी और क्यू भाई है, ठीक है। पी का पुत्र यस, पी का पुत्र यस का भाई है, पी का पुत्र यस का भाई है। तीसरा है क्यू का आर से क्या संबंध है, आर और यस बहने हैं। यहां पे एक और है, आर और यस बहने हैं, क्यू का आर से क्या संबंध है, क्यू का आर से संबंध आपको बताना है। ये क्या है, ये क्वेश्चन है आपका। और इसमें देखिए आंसर लिखा गया है, आंसर इसमें दिया गया है पिता भाई चाचा दादा, पिता भाई चाचा दादा। ये क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। किस तरीके से करेंगे, पी और क्यू भाई हैं, पी का पुत्र यस का भाई है, या आर और यस बहने हैं, क्यू का आर से क्या संबंध है, ये दिखाना है आपको। तो यहां पर आप लोगों को बता दें, आप लोगों को करना क्या है, इसको पहले आप समझ लीजिए, समझ लेंगे तो फिर आप बिना कॉपी पेन के ही कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन करते वक्त आप लोग जब समझ जाएंगे तो इसको अपने माइंड में रख करके, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी रिलेशन से बंधा हुआ होता है, तो आप उस रिलेशन अपने माइंड में उसको सेटअप करेंगे, अपने रिलेशंस को। आप पी बनेंगे, किसी को क्यू बनाएंगे, किसी को आर बनाएंगे, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पहले ये समझना जरूरी है, तब आप बिना कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे पी और क्यू भाई हैं, यहाँ पी और क्यू ये दोनों क्या हैं, आपस में दोनों क्या हैं, भाई हैं। ये दोनों आपस में भाई हैं। पी का पुत्र यस का भाई है, इसका जो पुत्र है, इसका पुत्र जो है, कोई पुत्र होगा यस का भाई है। यानी यस यस किसी को मान लीजिए, यस ये है, और इसका पुत्र जो है ये हो गया पुत्र, कोई होगा यस का भाई, यस का भाई है। यानी ये जो है भाई हो गया, समझ में आ रहा। यहां से पी का पुत्र है, ये कोई है जो इसका पुत्र है, लेकिन यस का भाई है, यस का ये भाई है, यस कोई होगा जो पी का भी पुत्र या पुत्री जो भी है ये होगा। तीसरे पॉइंट में आर और यस बहने हैं, आर और यस बहने हैं, आर और यस, कोई आर पॉइंट है इसको ले लीजिए, कहीं रख लीजिए, आर और यस ये जो है आपस में बहने हो गई, ठीक है, ये आपस में दोनों बहने हो गई। क्यू का आर से संबंध बताइए, क्यू का आर से संबंध बताइए। अब ये क्यू हो गए और ये इसमें संबंध बताना है। जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम से भी पता चल गया होगा कि ये दोनों क्या हैं, आपस में भाई हैं, आपस में ये दोनों भाई हैं। ये जो है कोई व्यक्ति, कोई बच्चा होगा, कोई लड़का होगा जो पी का पुत्र है, जब ये पुत्र होगा तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा, चाचा का होगा, इसका रिलेशन इससे चाचा का होगा। इस ये दोनों क्या है, आपस में दोनों भाई हैं, तो ये जो है इससे क्या संबंध होगा, ये भी चाचा का संबंध होगा, ठीक है, ये इसकी जो है भतीजी होगी, ये भतीजा होगा।
और ये दोनों आपस में बहने हैं तो ये भी भतीजी हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी इसका, ये जो है भतीजी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, क्यू का आर से क्या संबंध, यानी क्यू आर का क्या लगता है, क्यू आर का क्या लगता है, क्या संबंध है, तो क्यू जो है आर का चाचा लगेगा, ठीक है, क्यू जो है आर का चाचा लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा रक्त संबंध में। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, जैसे कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है, कोई व्यक्ति किसी की तरफ इशारा करके बताता है, इशारा करके पूछता है कि वह मेरे भाई का एक लड़का है, इकलौता लड़का है। जैसे अगर आप लोगों को उदाहरण स्वरूप एक समझा दिया जाए, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ये व्यक्ति है, यह किसी की तरफ इशारा कर रहा है, इसके तरफ इशारा कर रहा है, किससे कह रहा है, किसी आदमी से वह कह रहा है, इससे कह रहा है कि यह जो है मेरे पुत्र का, यह मेरे पुत्र का इकलौता लड़का है, यह मेरे पुत्र का इकलौता लड़का है, यह मेरे पुत्र का इकलौता लड़का है। तो उस व्यक्ति का उस बच्चे से क्या संबंध है, उस व्यक्ति का उस बच्चे से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। ये व्यक्ति जो है इससे कह रहा है कि यह लड़का जो है मेरे पुत्र का, यानी ये पुत्र हो गया, इसका इकलौता लड़का है, और कोई नहीं है, इकलौता लड़का है, तो इससे इससे क्या संबंध हो जाएगा, चूंकि इकलौता है इसका ये पुत्र हो गया, इसका पुत्र ये हो गया, ये कौन कौन हो जाएगा, पौत्र हो जाएगा। तो इस तरीके का रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं जो काफी आसान होते हैं, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले आप उसको खूब ध्यान से पहले समझिए, खूब ध्यान से अगर समझ लेंगे, खूब अपने मन में बिठा लेंगे, एक बार समझ लेंगे तो वो हमेशा के लिए आप उसको कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया, आप लोग उसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद उसको ध्यान से समझिए, और क्वेश्चन और भी जितने क्वेश्चंस होंगे उनको आप हल करिए, बार बार हल करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको और समझने की कोशिश करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमें यहाँ पर दिक्कत है, तो उसको फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। बाकी आप लोग हमारे इस चैनल का सहयोग करिए, हमें आशा है कि आप लोग सहयोग जरूर करेंगे, और अपने जितने भी साथी यार दोस्त हैं उनको भी बताइए, आप लोग अपना समय नुकसान ना करिए, अगर समय का जो है बर्बादी करेंगे, समय का नुकसान करेंगे तो वो आपका नुकसान करेगा। तो जो भी समय मिल रहा है, जो भी आप लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, उसका लाभ लीजिए, और इस क्लास को पूरा देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इसका